This is Innovledia. इस वीडियो में मैं आपको Autodesk Maya 2020 का इंटरफेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसलिए इंटरफेस में जो भी सेक्शंस एंड पार्ट्स है या एरियाज़ है या पोर्शंस है, वो सारे सेक्शंस और एरियाज़ का नाम मैं आपको बता दूंगा और वो किस काम आता है ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक करके बता दूंगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं माया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उसका इंटरफेस में सबसे टॉप में अगर आएंगे, ये जो वाइट पोर्शन है, वाइट एरिया, वाइट सेक्शन जो है, ये जो बार है पूरा वाइट कलर का, इसको कहते हैं टाइटल बार। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक लाइन से मेनूज़ दिया हुआ है, ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल रो ऑफ मेनूज़ है इसको कहते हैं मेनू बार, ठीक है? उसके नीचे आएंगे तो एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसको कहते हैं मेनू सेट्स, और उस पर अगर क्लिक करेंगे तो ओपन होगा जिसमें कैटेगरीज बना हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस सबको इंडिविजुअली मेनू सेट बोल सकते हैं और पूरा कलेक्टिवली इसको मेनू सेट्स बोला जाता है। उसके अगर राइट में जाएंगे तो पूरा एक लाइन से आइकन्स है, ठीक है? ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आइकन्स जो है इस ड्रॉप डाउन को छोड़ करके, ये पूरा लाइन को कहा जाता है स्टेटस लाइन। और ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन आउट वगैरह का ऑप्शन है, इसको कहते हैं यूज़र अकाउंट मेनू। उसके ऊपर भी एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है जहाँ पे वर्क स्पेस लिखा हुआ है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये भी ओपन होता है, इसको कहते हैं वर्क स्पेस सिलेक्टर। और उसका एकदम राइट में एकदम कॉर्नर में एक लॉक आइकन दिया हुआ है, इसको कहते हैं डॉकिंग और अनडॉकिंग लॉक, ठीक है? और उसके नीचे पांच आइकन्स और दिया हुआ है, इसको कहते हैं साइड बार आइकन्स। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पॉली मॉडलिंग एक्टिव दिख रहा होगा, ये जो पूरा एरिया है या सेक्शन है इसको कहते हैं शेल्व्स, और इंडिविजुअल को शेल्फ कहेंगे, ठीक है? एकदम लेफ्ट कॉर्नर में जो है यहाँ पे सिक्स टूल्स का आइकन्स दिया हुआ है, इसको कहते हैं टूल बॉक्स। और उसके नीचे यहाँ पे एकदम एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, छोटा सा सेपरेटर है, उसके नीचे कुछ आइकन्स है जो कि यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, दो चार आइकन्स है यहाँ पे, बड़ा मॉनिटर होगा तो दिखेगा, छोटा मॉनिटर में ये हिडन हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये विजिबल हो सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पे दो चार आइकन्स है। ये सारे आइकन्स को क्या कहते हैं, क्विक लेआउट्स या फिर पैनल लेआउट्स। ऑलराइट, फिर यहाँ पे अगर आएंगे, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है पूरा ग्रे कलर का, वहाँ पे एक स्पीयर दिख रहा होगा, एक ग्रिड है, ठीक है? इस पूरा रेक्टेंगल एरिया इस सेक्शन को कहते हैं व्यू पैनल या व्यू पोर्ट भी बोल सकते हैं। इसका भी एक मेनू है, ठीक है? बहुत सारे छोटे छोटे मेनूज है तो इसका भी एक अपना मेनू बार हो जा रहा है, तो ये है पैनल मेनू, ठीक है? इसको पैनल मेनू कहते हैं। और उसका नीचे जो छोटा छोटा आइकन्स दिया हुआ है इसको कहते हैं पैनल टूल बार। और एकदम अगर राइट में आएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर हाइलाइटेड है, ठीक है? कॉर्नर में ये जो पूरा एक स्क्वायर हो गया यहाँ पे सेक्शन छोटा सा बॉक्स, इसको कहते हैं चैनल बॉक्स। और उसके जस्ट नीचे है लेयर एडिटर, इसमें दो तरह का एडिटर है, एक डिस्प्ले लेयर है और एक एनिमेशन लेयर के लिए बना हुआ है, दो टैब्स है, ठीक है? और यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट एडिटर, उस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट होगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। मेक ए सिलेक्शन टू व्यू एट्रीब्यूट्स, अगर यहाँ पे एक स्पीयर अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिखाएगा, इसमें बहुत सारे आपको एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, ठीक है? इसको कहते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। और यहाँ पे थर्ड वाला जो पॉइंट है या टैब है उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो है मॉडलिंग टूल किट। ये स्क्रॉल होकर नीचे तक जाता है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, ये पूरा पैनल को कहते हैं मॉडलिंग टूल किट। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रूलर के तरह 1 से लेकर 120 तक दिख रहा है, नंबरिंग किया हुआ है, ये है एक्चुअली में टाइम स्लाइडर और ये है फ्रेम नंबर, ठीक है? ये टाइम स्लाइडर इसको कहा जाता है, इस पूरा सेक्शन को, ये पूरा जो एरिया है, और स्लाइडर इसलिए बिकॉज इसमें माउस से हम लोग ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? उसके जस्ट नीचे इस सेक्शन को कहते हैं रेंज स्लाइडर, और ये है उसका ड्रैगेबल स्लाइडर, ठीक है?
और उसके जस्ट राइट में एक छोटा सा ऑरेंज कलर का आइकन बना हुआ है, इसको कहते हैं टाइम स्लाइडर बुकमार्क मेनू। और उसके राइट में दो और मेनूज है जिसमें से एक का नाम है कैरेक्टर सेट मेनू और दूसरा का एनिमेशन लेयर मेनू। और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन और है जो कि फ्रेम रेट का ड्रॉप डाउन है। और उसके जस्ट ऊपर ये जो सेक्शन है ये है प्लेबैक कंट्रोल्स। यहाँ पे एक वॉल्यूम का आइकन भी दिया हुआ है और एकदम कोना में जो है वो है एनिमेशन प्रेफरेंसेस का शॉर्टकट आइकन, या बोल सकते हैं एनिमेशन का जो सेटिंग्स है, प्लेबैक का जो सेटिंग्स है उसका शॉर्टकट आइकन है, डायरेक्टली खुल जाता है। और यहाँ पे एकदम नीचे तरफ जब आएंगे तो एमएल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पाइथन हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो एमएल हो जाएगा। तो ये जो एमएल लिखा हुआ है यहाँ पे जो बॉक्स है इसको कहते हैं कमांड लाइन। और यहाँ पे जो दूसरा बॉक्स है और यहाँ पे जो एक छोटा सा आइकन बना हुआ है इसको कहते हैं स्क्रिप्ट एडिटर, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा। ठीक है, लिखा हुआ ऊपर में स्क्रिप्ट एडिटर, इसको अभी करते हैं क्लोज। और सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेज शॉर्ट हेल्प टिप्स फॉर टूल्स एंड सिलेक्शंस। ये जो सेक्शन है एकदम बॉटम में इसको कहते हैं हेल्प लाइन। माउस जहाँ पे भी होवर करेंगे, किसी भी टूल या ऑप्शन पे होवर करेंगे तो उसके लिए वहाँ पे हेल्प टिप्स दिखाएगा। ठीक है, वहाँ पे शो करता है कि वो क्या है। ऑलराइट, तो ये था माया का एक बेसिक इंट्रोडक्शन इंटरफेस का। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेक्शंस या ऑप्शंस या पैनल्स जो भी है क्या काम आता है या किस काम आता है। ठीक है, अंटिल देन थैंक यू।